आजाद नगर थाना पुलिस द्वारा अन्य राज्यों से आ रहे प्रवासियों को भोजन पैकेट का वितरण किया जा रहा है। इससे उनके स्वास्थ्य सुविधाओं का भी ध्यान रखा जा रहा है। इंदौर पुलिस जनता कर्फ्यू का पालन करवाने के साथ ही मानव सेवा का भी धर्म निभा रही है। इसी कड़ी में आजाद नगर थाना पुलिस द्वारा 3 इमली चौराहे पर अन्य राज्यों से आ रहे प्रवासियों को भोजन पैकेट का वितरण किया जा रहा है। इसके साथ ही उनकी स्वास्थ्य सुविधाओं की भी जानकारी ली जा रही है। थाना प्रभारी के अनुसार बड़ी संख्या में लोग अन्य राज्यों से होकर इंदौर और इंदौर से आगे जा रहे हैं। ऐसे में उनकी भोजन संबंधी जरूरतों का ध्यान रखा जा रहा है। कई लोग जैसे जब फुर्सत में रहते हैं, खेतों में कोई काम नहीं होते, तो प्रवास करने लग जाते हैं और बाहर बड़े शहरों में मजदूरी के लिए चले जाते हैं। इस महामारी के संक्रमण को देखते हुए वहाँ पर सब काम बंद हो चुके हैं, तो लोग अब वहाँ से वापस अपने घरों के लिए चल दिए हैं। कई लोग महाराष्ट्र में रोजगार पाने के लिए, उत्तर प्रदेश के लोग महाराष्ट्र में रोजगार पाने के लिए कहीं बड़ी भारी संख्या में जाते हैं, तो वही मजदूर अभी वापस आ रहे हैं जिन्हें इंदौर से बस बदलना पड़ती है। तो वही लोग इंदौर में दूसरी बस के इंतज़ार में बेचारे बैठे रहते हैं या लंबी यात्रा करके आते हैं, उनके भोजन की व्यवस्था नहीं होती है। तो उसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों के द्वारा सामाजिक प्रतिष्ठानों से संपर्क किया गया, उन लोगों के माध्यम से उन्हें कुछ सामान उपलब्ध कराया जाकर उन प्रवासी मजदूरों के लिए खाने की व्यवस्था की गई है और उनको मतलब शाम जैसे दोपहर में आ जाते हैं, शाम तक उन्हें बस मिलती है, तो उनके पानी की व्यवस्था और भोजन की व्यवस्था हम लोगों के द्वारा करवाई जा रही है। लगभग कितने पैकेट्स का वितरण हो पा रहा है? अभी हम लोगों ने शुरुआत की है, कल 200 पैकेट हम लोगों ने वितरण किए थे, लेकिन अब आने वाले समय में जिस तरह से संख्या बढ़ती जाएगी उन्हें पर्याप्त भोजन की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। सर, पुलिस एक तरफ अपनी ड्यूटी निभा रही है और इस तरह मानवता के साल भी पेश कर रही है, सर पुलिस फ्रंटलाइन पे तो काम कर ही रही है। जिस तरह से संक्रमण फैल रहा है और लोगों को जागरूक करने के लिए कई बार फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है और गाड़ियों में लगे पीए सिस्टम के माध्यम से सभी को समझाइश दी जा रही है कि किस तरह से आपको अवेयर रहना है, किस तरह से आपको प्रिकॉशंस यूज़ करने हैं, वो सारी चीज़ें तो बता ही रहे हैं और सख्ती से भी उन्हें उनके साथ समझाइश दी जा रही है ताकि वो लोग अपने घरों में रहें और इस संक्रमण से बचें। और चूंकि पुलिस स्टाफ भी सुरक्षित नहीं है, अभी मेरे थाने में ही पिछले 15 दिनों में 13 लोग पॉजिटिव हो चुके थे, लेकिन अभी 6 लोग और बचे हैं, बाकी सभी रिकवरी करके आ गए हैं और बाकी जो बचे हैं वो भी अच्छे से रिकवरी कर रहे हैं। थाने में उनके बचाव के लिए हम लोगों के द्वारा स्टीम मशीन और सभी स्टाफ के हर कर्मचारी के पास सैनिटाइजर की बोतल और हर कमरे में स्टीम मशीन का मशीन उपलब्ध करा दी है। थाने को 2 बार सैनिटाइज किया जा रहा है, जो भी थाने में बाहर से आता है उसे स्टीम दी जा रही है। इस प्रकार से स्टाफ के कर्मचारियों को भी हम लोग संक्रमण से बच